हेलो एवरीबॉडी, HSSC भर्तियों में बदलाव की आशंका, कहीं धोखा ना हो जाए। आर्थिक आधार के एक्स्ट्रा नंबर की यहाँ पे बात करने वाले हैं। यदि आप जानना चाहते हैं क्या बदलाव हो सकता है और क्या बदलाव देखने को मिला है, यदि आप जानना चाहते हैं पूरी अपडेट को, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अपने ऐप के अंदर KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के अंदर मैथ का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है। यदि आप इसको पेड वर्जन में लेना चाहते हैं, तो मात्र 249 रुपये में आप मैथ के कंप्लीट ये सभी टॉपिक कर सकते हैं। और ये आपको सभी जो क्लास है ये इसी महीने के अंदर आपको मिल जाएगी। तो पहले 100 रजिस्ट्रेशन के लिए मौका है, मात्र 249 रुपये में। 249 रुपये में ऐसे ही खाने पीने में ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ाई में अपने पैसे लगाइए और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करने का। खरीदने से पहले आप एक बार जो फ्री वर्जन है उसको ज़रूर देखें। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब बात करते हैं HSSC भर्तियों के बारे में कि क्या बदलाव होने की यहाँ पे आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में जो वैकेंसी निकलती है, तो उनमें सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के कुछ नंबर दिए जाते हैं हरियाणा वासियों को। वो ऐसे हैं कि परिवार में नौकरी नहीं है तो उस कैंडिडेट को 5 नंबर मिलते हैं। यदि आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, आपके पास केवल हरियाणा पुलिस की मैं बात करूं तो उसमें क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा है, तो हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आपको नंबर मिलते हैं उस चीज़ के, ठीक है। या आप विमुक्त जाति से हैं तो आपको नंबर मिलते हैं, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है हरियाणा वासियों को, ठीक है। और वो केवल हरियाणा वासियों के लिए ही होता है। एडवर्टाइजमेंट में आप ये देख भी सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि ये सही है या गलत है। अब सरकार ने यदि दे रखा है तो वो केवल हरियाणा वासियों के लिए है, एडवर्टाइजमेंट में ऐसा लिखा हुआ है। और यदि ये हरियाणा से बाहर वालों के लिए वालों को मिल जाता है, हरियाणा वासियों को, यानी अदर स्टेट को मिलने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं गलत होगा। हरियाणा वासियों के साथ वो एक धोखा होगा, ठीक है। यहाँ पर इसी से संबंधित कुछ ये अपडेट देखिए। ताऊ HSSC JEE में अदर स्टेट को 5 मार्क्स मिल रहे हैं, पहली बार इस पर भी वीडियो बनाएं। ये हरियाणा वालों के साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ लिखा है कि हरियाणा डोमिसाइल वालों को ही ये मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों, अभी JEE की एग्ज़ाम जो भर्ती है उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, और ये कैंडिडेट बता रहे हैं कि वहाँ पर जो अदर स्टेट के लोग हैं ना, उनसे भी ये परफॉर्मा भरवा जा रहा है कि, और वहाँ पर बोला जा रहा है कि ये अदर स्टेट वालों को भी आर्थिक जो आधार पर नंबर दिए जाते हैं वो अदर स्टेट को भी मिलेंगे, ऐसा बोलकर बताया गया है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ है, ये रूल के खिलाफ है। यहाँ पर आप आगे भी देख सकते हैं, सैंडी सिंह दोबारा कमेंट किया, हमने HSC में जाके पूछा है, वो बोल रहे हैं ऊपर से ऑर्डर आया कि अदर स्टेट वालों को भी सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स देने हैं, उनसे सेल्फ अंडरटेकिंग भरवाया जा रहा है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बोला कि एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है। और ये किसी एक ही कैंडिडेट के कमेंट नहीं है, अलग अलग कैंडिडेट की तरफ से मुझे ये मैसेज मिला है कि सर ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये किसी दूसरे भाई ने मेरे पास मैसेज किया, राजेश भाई, मैं नवीन भाई HSC JEE में सिलेक्टेड हूँ, भाई DV कराया है 13 को, भाई नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर बस हरियाणा आड़े खातर है, पर भाई अब की बार HSC आड़े कहने लग रहे हैं कि बाहर के स्टेट के बाढ़ कहना भी देवांगे, भाई नू तो हम हरियाणा के पीछे रह जाएंगे और बाहर के लग जाएंगे, जो इब की बार दे दिए तो आगे कलरक पुलिस सब में देवेंगे भाई, ठीक है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं गलत है। यदि इन भाइयों की जो बात है ये सही है तो आपके साथ, यानी हरियाणा वासियों के साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में सब साफ साफ लिखा है कि जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया नौकरी में ना होने के हैं, एक्स्ट्रा नंबर है, यदि दिए जाएंगे तो हरियाणा वासियों को दिए जाएंगे, हरियाणा का डोमिसाइल जिसके पास होगा। अभी JEE में ये परफॉर्मा भरवा जा रहा है और वहाँ पर बोला गया कि सभी को नंबर दिए जाएंगे इस बार, तो ये कहीं ना कहीं बदलाव की आशंका है। मेरी सरकार से भी अपील है कि यदि आप किसी, या तो हो सकता है जो वहाँ पे स्टाफ बैठा हो बाय मिस्टेक ऐसी बात बोल रहा है कि सभी को नंबर मिलेंगे, यदि ऐसा आपकी जानकारी में है, सरकार की, गवर्नमेंट की जानकारी में है कि सभी को दी जाएंगे, तो ये हरियाणा वासियों के साथ धोखा है।
ठीक है। अब कुछ साथी बोलेंगे कि मिलने ही नहीं चाहिए, हाँ मिले ही ना सभी को, तो मैं उस चीज़ में आपके साथ हूँ कि आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यदि दिया जा रहा है तो उस चीज़ के जो रूल बनाए गए हैं उन पे सरकार को कायम रहना चाहिए। मैं ये सिर्फ यही कहने वाला हूँ और दोबारा सरकार से यही अपील है कि इस चीज़ पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि ये हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। और एक साइड तो आप बोल रहे हो कि हरियाणा वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी भर्तियों में, और अब इस भर्ती में ऐसी बात सामने आ रही है तो वो गलत है। और मैं जो साथी वीडियो देख रहा है यहाँ तक, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी राय जो भी है आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये गलत है या सही है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मेरे साथ दोस्तों ने शेयर किया है इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे इस वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है दोस्तों, वैसे ही यदि गलत है तो गलत को बोलना मेरा काम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट समझ में आई है और आप कमेंट करके अपनी राय जरूर रखोगे। और दोस्तों साथ ही यदि आप मैथ कोर्स या कोई अन्य प्रकार का कोर्स करना चाहते हैं, अपने ऐप के अंदर फ्री और पेड दोनों प्रकार से कोर्स अवेलेबल है। एक बार KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड जरूर करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत बहुत धन्यवाद।